दोस्तों ये टाटा एसी लोडिंग है और मैं इसका गैसकेट ख़राब हो रहा है घड़ी घड़ी, इसको मैं अब शंकर का गैसकेट डालने वाला हूँ, फुटेगा 3 कट वाला। ये देखिए सील पैक गैसकेट है, इसको फोड़ रहा हूँ मैं। देखिए गैसकेट निकल गया बाहर। इससे पहले वीडियो मैंने बना के डाला था खोलने की और टाइमिंग की, इसके लिए मैं आपको टाइमिंग का वीडियो नहीं दिखाऊंगा इसमें अभी, क्योंकि कम टाइम में बनाना है वीडियो, इससे आपका टाइम ना जाए। इसको पहले देख लेना चाहिए गैसकेट कहीं दबा हुआ है, कटा हुआ है, फूटा हुआ है, पैकिंग के अंदर दब जाता है गैसकेट, डैमेज हो जाता है, डैमेज गैसकेट चलता नहीं। इस तरह से चेक करने का उसको कि ग्रो सब पूरे बराबर है। यस ये देखिए आप, फ्रेश चाहिए ऐसा गैसकेट, और इसके ऊपर लिखा हुआ है टॉप, टॉप को ऊपर रखना है। इससे पहले मैं टाटा का भी गैसकेट डालता हूँ, पर जो दूसरी जगह से फेल होकर आई है गाड़ी, तो ये दूसरे कंपनी गैसकेट डाला, यहाँ तक कि पतरे का था गैसकेट डाल दिया था उसने और वो नहीं चला, जो कि हेड में प्रॉब्लम था थोड़ा, इसके लिए मैंने उसको फेस किया हेड को बराबर, और ये शंकर का गैसकेट डाल रहा हूँ मैं इसको, ये बेहतरीन होता है एकदम, और ऑयल लगा दिया इसको मैंने, अब दोनों डबल में इसको बिठा देंगे। दोनों डावर में आराम से प्रेस करना है इसको, बस ये 3 खाँचे, अरे टॉप ऊपर, लाइनर भी नए हैं, सब नया है इसका, बार बार प्रॉब्लम आ रही थी उसको, हेड ले लेते हैं साफ करके, लगे ना कपड़ा मार के साफ कर लेना चाहिए। अब हेड रख देते हैं हम इसका, अभी नीचे रख देते हैं, कैमरे दो मिनट नीचे रखता हूँ मैं। देखिए ये रख दिया हेड, अब देखिए और वो डाउल जो ग्रु होते हैं ग्रु के अंदर जाकर फिक्स बैठ जाता है, हिला के देखना चाहिए थोड़ा इस तरह से बैठा है कि नहीं, और इसको ज़्यादा मारना नहीं है, अगर आप इसको हथौड़े से मारेंगे तो वो डैमेज हो जाएगा हेड। पहले बोल्ट पुरा लीजिए आप उसमें सेंटर से दो, फिर आजू बाजू दाएँ बाएँ ऐसा करके अच्छी हुई बोल्ट पुरा देना है उसको, और सबको मिलाते मिलाते टॉर्क देना है अपने अपने हिसाब से। देखिए छो बोल्ट डाल दी, और उसमें मैंने एक वाइशर बढ़ाया हुआ है अंदर से, जो हेड घसता है ना उसके साथ में एक पतला वाइशर स्टील का बढ़ा देना चाहिए। ये देखिए सब मिल गया, टाइमिंग भी मिला दिया उसके ऊपर की, और अब टॉप कवर लगा रहा हूँ उसका टपेटो, उसकी रबर रिंग भी ओल्डी रखा मैं क्योंकि वो अभी काम करा हुआ था बाहर से उसने, और इसमें उसका पॉट नहीं निकल रहा था, स्टार्ट करते ही ऑयल रेडी वाटर में आ जा रहा था उसका, जो ऑयल गैलरी में प्रॉब्लम आ गया था उसका। इसके ऊपर भी एक वाइशर रख देना है आपको एक्स्ट्रा, जिससे वो सही प्रेस हो जाएंगे। देखो इस पर है ऑलरेडी, स्टार्ट करो उसके ऊपर टाइट हो चुके, अभी इंजन स्टार्ट करके दिखाता आपको मैं। मैंने एयर निकाल दिया उसका, फिर मैं सेल्फ मारने लगाऊंगा उसका, बढ़िया एकदम पानी भरना होगा फिर चालू है उसमें। मैं
से फिर एलईडी रखूँगा जिससे प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ थोड़ा स्टोरेज प्रॉब्लम आ रहा है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का बताऊँगा सब। ओके फ्रेंड्स।